ऐसा लग रहा है कि मैं भी मेन स्टॉक में आ गया. बड़ी खुशी की बात. आई एम अ बिग बिलीवर इन बिगिनिंग्स. जैसे कि उन्होंने बताया अपने लिबास के बारे में, स्टार्टेड स्मॉल, ही वाज एनकरेज्ड एंड इट वेंट बिगर, नाउ इट्स बिकम अ नेशनल ब्रांड. मैं तो सोचता हूँ कि इंटरनेशनल ब्रांड क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं ट्राई, क्या करना है, बोल ही दो, सुबह सुबह बोल दो, घंटी बजाया घंटी के साथ बोल देने का, इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा हमारा. स्टोर खुल चुके हैं दुबई तो फिर इंटरनेशनल हो गया. अभी करते जाओ, बट इट एवरीथिंग टेक्स इट्स टाइम. बोलने से कुछ नहीं होता, मेहनत से बहुत कुछ होता है. एंड दे हैव वर्क सो हार्ड, यू कैन सी हाउ मच लव एंड सपोर्ट दे हैव. उनकी टीम इतनी अच्छी है. और मेरा काम है यहाँ पे आके थोड़ी पॉजिटिविटी बोलना और इनकरेजमेंट देना, और क्या, मेरी कोई जगह ही नहीं यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है. लेकिन आई एम सो हैप्पी आई बीन इन्वाइटेड. आई फील प्राउड, बट आई एम मोर प्राउड ऑफ द वे दे हैव अप देयर listed. It's such a great feeling, even if I'm not involved in that sense, but I feel very proud. Sir, हर एक इंसान का एक स्टाइल होता है, और I think Riyaz bhai would know what to do with me. He would know. जैसे रणवीर सिंह है तो बहुत अलग ही कॉस्ट्यूम पहनते हैं इवेंट्स के लिए. कॉस्ट्यूम ही, right, right. But that's him. That's his personality. मेरी पर्सनैलिटी 1966 की पर्सनैलिटी है, क्या करूँ. तो उस हिसाब से कॉस्ट्यूम बनाएंगे. व्हाई नॉट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू वेयर समथिंग दैट यू मेक फॉर मी. आई विल बी वेरी हैप्पी. रियाज आप क्या कहेंगे, आज कैसा लग रहा है? वेल, वेरी एक्साइटेड, एंड ऐसा लग रहा है कि वापस से शुरू करना पड़ेगा. बहुत होप्स है लोगों को, सो बेसिकली इट ऑल स्टार्ट्स अगेन. बट होपफुली दिस टाइम टू बी लिटिल मोर इजियर विद द टीम व्हिच वी हैव. It's after 20 years of being with, having had Libaz, it's kind of, like he said, it's another start. So I'm looking forward to the whole stretch, and I think we were Nausikhyas in the way. Shuruaat thi hum log ki abhi tak ka, now we've come to the first standard. Thoda sa seekh gaye hain, thoda aur seekhna baki hai. And I hope we keep up to expectations. Achha, Riyaz, ek important question hai ki you are the first designer to be in IPO. To wo kaise feeling ho rahi hai? वेल, मुझे डेंजरस लग रहा है, बिकॉज आई एम द ओनली वन, तो आई हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स. सो बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे, एंड गॉड इज़ विद अस. एंड सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन सब चीज़ वैसे होती नहीं है. सो वील ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, एंड जैसा कि सर ने कहा, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेंगे. लेट्स सी व्हाट गॉड हैज़ फॉर अस. एंड यू स्टार्ट एवरी डे. यू डोंट स्टार्ट एवरी 20, एवरी डे यू स्टार्ट अफ्रेश. मैं भी एक्चुअली वही सोचता हूँ कि ओनली आज का दिन अच्छा जाए, कल तो मैं देखा ही नहीं हूँ, सो आई डोंट नो. और दैट्स ऑल, एवरी डे, दैट्स एग्जैक्टली. अच्छा लग रहा है, और हम सोचते हैं कि और आगे बढ़ना चाहिए, और एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए. और हम सोचते हैं कि जैसे रियाज का ड्रीम है कि हम 500 करोड़ की कंपनी बनाएं, उस तरफ हम चलेंगे. और सर, अभी गवर्नमेंट ने 5% डिस्काउंट दिया है, रिबेट दिया है टैक्स का आप लोगों को. That will benefit us eventually. Prices will come down, so it will be more affordable for more people, and we hope to become more competitive and have more people come into our stores to buy. So I'm looking forward to that as a boost to our business. In that. Thank you. Well, I just invested a few months ago. Riyaz had come to my office once, and I was taken by his dedication, his passion for ethnic wear. And I do believe that the growth of ethnic wear is a growth story. So I was keen to have some exposure to this market. So I've just taken a small stake in it, and I'm confident that it'll be a company that NSE will be proud to have on its platform. And we all look forward to make it a multi-hundred crore brand. Is a part of Libaz also. Sorry, yeah. Kazi is also starting, then they'll soon start online and so on, correct? And I think, with so many marriages all over the country and everything, I think the country needs, another national brand. There are already one or two big ones out there, but I think there's always room for one more. So hopefully we'll make it big. The company listed itself on the NSE Emerge platform, which is the platform which facilitates small and medium-sized companies to list themselves and tap alternate funding mechanisms. The beautiful feature of this Emerge platform is that it allows company to migrate seamlessly from the Emerge platform to the main board.
which is most of the times the promoter's vision to actually list themselves on the main board. And the main board criteria is being stringent, it would be very difficult for them to directly get on there with the lack of compliance knowledge, with the lack of infrastructure that they have. This SME platform provides them a very good playing field where in 2 years they are on the small boards and they get accustomed to the regulatory environment and then they seamlessly migrate to the main board. So Libas is taking that opportunity and migrated itself today. It's a great moment for Libas, important milestone, and I wish them all the best. Thank you.